नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मालदा टाउन से नई दिल्ली तक चलने वाली मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मालदा टाउन से नई दिल्ली तक चलने वाली मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है हफ्ते में दो दिन चलती है मालदा टाउन पश्चिम बंगाल से, हर मंगलवार और शनिवार को ये नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। मालदा टाउन से नई दिल्ली की जो दूरी है 29 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं, 1424 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 48 किलोमीटर पर आवर। कोविड रिजर्व ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है उसे ऑपरेट करता है और इसका ट्रेन नंबर है 04003 यानी कि 04003। और ये जो ट्रेन है कोविड स्पेशल ट्रेन है। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये मालदा टाउन पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होती है, झारखंड के बरहरवा जंक्शन, बिहार के भागलपुर जंक्शन, जमालपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद होते हुए ये नई दिल्ली में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो मालदा टाउन से नई दिल्ली तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो अगर अब बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कोचेस वाइज किराया बताऊंगा मालदा टाउन से नई दिल्ली तक का। मालदा टाउन से नई दिल्ली तक का फर्स्ट एसी का जो टोटल किराया है वो है 3925 रुपये, जिसमें 3674 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 187 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 3925 रुपये जो कि मालदा टाउन से नई दिल्ली तक का है। बाकी सेकेंड एसी के कोच भी हैं जिसका मालदा टाउन से नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो है 2315 रुपये, जिसमें 2151 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 111 रुपये है और टोटल किराया जो बनता है वो है 2315 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी थर्ड एसी के कोच भी हैं, थर्ड एसी का जो टोटल किराया है वो है 1600 रुपये, जिसमें 1482 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 77 रुपये है, टोटल किराया जो बनता है वो है 1600 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी छह कोचेस इसमें स्लीपर क्लास के भी हैं। स्लीपर क्लास का जो मालदा टाउन से नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो है 600 रुपये, जिसमें 577 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल किराया जो बनता है वो है 600 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी इसमें जो हैं जनरल डिब्बे भी हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तकरीबन चार डिब्बे हैं जिसका मालदा टाउन से नई दिल्ली तक का जो रिजर्वेशन के साथ जो किराया है वो है 365 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 350 रुपये और 15 रुपये इसमें रिजर्वेशन चार्ज है, टोटल किराया जो बनता है वो है 365 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे मालदा टाउन पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली तक इसके कौन से स्टेशन आते हैं। ये जो ट्रेन है मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार और शनिवार को मालदा टाउन पश्चिम बंगाल से सुबह 9:05 पर ये रवाना होती है और तकरीबन 29 घंटे 25 मिनट बाद ये ट्रेन जो है नई दिल्ली में पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है पश्चिम बंगाल का न्यू फरक्का जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 9:40 के करीब पहुँचती है और 9:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 35 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है NFK। न्यू फरक्का जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है बरहरवा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 10:20 पे और 10:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बरहरवा जंक्शन का स्टेशन कोड है BHW। बरहरवा जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है साहिबगंज बिहार में पहुंचती है सुबह 11:23 और 11:28 वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 103 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और साहिबगंज जंक्शन का स्टेशन कोड है SBG। भागलपुर जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:51 पर पहुँचती है और 12:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 180 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सुल्तानगंज बिहार में पहुंचती है। सुल्तानगंज बिहार में ये दोपहर के 1:13 पर पहुंचती है और 1:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है,
तकरीबन 204 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जमालपुर जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है दोपहर के 2:02 पर पहुंचती है और 2:07 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 233 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। क्यूल जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है दोपहर के 3:25 पर पहुंचती है और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 280 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर यह ट्रेन जो है हावड़ा गया स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है बिहार की राजधानी पटना जंक्शन में पहुंचती है। पटना जंक्शन में शाम के 5:55 पर पहुंचती है और 6:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और 403 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मालदा टाउन से नई दिल्ली तक चलने वाली मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो बिहार के आरा जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर शाम के 7 बजे पहुंचती है और 7:02 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 452 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आरा जंक्शन का स्टेशन कोड है ARA। इसके बाद यह ट्रेन जो है बिहार के आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है। बिहार का आखिरी स्टेशन है इस ट्रेन का, वो है बक्सर रेलवे स्टेशन। बक्सर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है शाम के 7:48 पर पहुंचती है और 7:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 520 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और बक्सर स्टेशन का स्टेशन कोड है BXR। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय उत्तर प्रदेश में यह ट्रेन जो है रात के 10:55 पर पहुंचती है और 11:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। वाराणसी जंक्शन में मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन वाराणसी जंक्शन में रात के 11:55 पर पहुंचती है और 12:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 632 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वाराणसी जंक्शन के बाद ये प्रतापगढ़ जंक्शन में रात के 1:45 पर पहुंचती है और 1:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 760 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और इसके बाद अमेठी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 2:33 पर पहुंचती है और 2:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 795 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गौरीगंज उत्तर प्रदेश में रात के 2:48 पर पहुंचती है और 2:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, गौरीगंज का स्टेशन कोड है GNG। गौरीगंज रेलवे स्टेशन तक की जो दूरी है मालदा टाउन से वो 808 किलोमीटर के करीब जो है ये मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। गौरीगंज रेलवे स्टेशन के बाद यह ट्रेन जो है राय बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है रात के 3:28 पर और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। राय बरेली जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है RBL और मालदा टाउन से राय बरेली जंक्शन की जो दूरी है वो है तकरीबन 855 किलोमीटर के करीब जो है मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। राय बरेली जंक्शन जो है इस ट्रेन का 17वां स्टेशन है। इसके बाद यह ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग में एंटर करती है। मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग में सुबह 6:10 पर पहुंचती है और 6:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 932 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है LKO। लखनऊ चारबाग में यह ट्रेन जो है सरयू यमुना एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के साथ क्रॉसिंग करती है और शहीद एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के साथ भी इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन में सुबह 9:45 पर पहुंचती है और 9:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1168 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और बरेली जंक्शन का स्टेशन कोड है BE। बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचती है। मुरादाबाद जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 11:15 पर पहुंचती है और 11:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है, 1258 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और मुरादाबाद जंक्शन का स्टेशन कोड है MB। यहाँ पर यह ट्रेन जो है कुछ ट्रेनों के साथ क्रॉस करती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है। मालदा टाउन से नई दिल्ली तक चलने वाली मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बाद यह ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन और उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन
गाजियाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1:44 पहुंचती है और 1:46 वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1400 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है वो अपने आखिरी स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 2:30 पर पहुंचती है और 1424 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।